कितना प्यारा मनमोहक व्यू आप देख सकते हैं, कितना में आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में। मैं विजय कुमार जी आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभी चोपटा में। कल हम लोग फोन पे आए थे निकले से बद्रीनाथ के लिए, पर बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाए तो हम लोग चोपटा पे रुक गए थे और चोपटा से हमने तुमनाथ की चढ़ाई की थी, दर्शन किए थे, क्योंकि सबसे टॉप में यहाँ पे शंकर भगवान जी का मंदिर है। तो आपने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा तो ब्लॉग देखिएगा हमारे पीछे चैनल में। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चोपटा से तुमनाथ से बद्रीनाथ, और यहाँ से जो उसकी दूरी 150 किलोमीटर है, और टाइमिंग की बात करें तो 10 बज चुके हैं और यहाँ पे कंटिन्यू रात से कंटिन्यू पानी गिरा था। अभी 10 बजे हैं तो जाके थोड़ा सा पानी बंद हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हम ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा और आपको एक से खूबसूरत सी सीनरी दिखाते हुए चलेंगे, लोकेशन दिखाते हुए चलेंगे, तो हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहेगा। तो गाइस हम लोग निकले हुए थे चोपटा से, चोपटा से आए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 किलोमीटर आगे आए हुए, और यहाँ पे हमको खूबसूरत सा व्यू देखने मिल गया। मैं सोचा आपके लिए भी दिखा देता हूँ। और बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी कि मैं रास्ते का फुटेज नहीं शूट कर पाया क्योंकि मेरा गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं कर पाया था। तो इस चक्कर में आपको ये जो लोकेशन में हूँ इस लोकेशन का आपको खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। कितना प्यारा लोकेशन है ना, आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बैक कैमरे से पूरा डिटेल दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ का पूरा प्यारा सा लोकेशन। देखिए भाई साहब कितना प्यारा लोकेशन है और कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग, ऐसा लगता है कि पूरा धुआं धुआं हो रहा है ऐसा। और पहाड़ देखिए, बादल देखिए, क्या बेहतरीन से नज़ारे हैं, हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। दिल खुश हो गया भाई ऐसे लोकेशन में घूम के। गाइस मैंने जो आपको लोकेशन दिखाया है लोकेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए बारिश बंद है तो आपको बाई रोड का पूरा दिखाते हुए चलेंगे मोटो ब्लॉग। तो हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहेगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही खूबसूरत सूरत सी वीडियो मिलती रहेंगी और एडवेंचर टाइप की और ऐसे बेहतरीन से लोकेशन का। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोटो सेक्शन करेंगे, और हमारा फ़ोटो देखना चाहते हैं रील देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम में जाके हमको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्लीज़ यूज हेलमेट के नाम से हमारा पूरा सोशल मीडिया है, इंस्टा हो चाहे फेसबुक हो, A to Z ऑल सोशल मीडिया मेरे प्लीज़ यूज हेलमेट के नाम से। तो जाके वहाँ पर सपोर्ट दिखाइएगा। कितना प्यारा मनमोहक व्यू आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। और हमारे राइट साइड में आपको बहुत खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा, पूरा फॉग ही फॉग है क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पानी बंद हुआ है। पानी बंद होने के बाद पहाड़ों में एक से खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, फॉग जम जाता है और धुंधलापन वो सब देखने को मिलता है। और ये जो रूट हम जा रहे हैं अभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता कहाँ से, ये शायद सीधा वाला है, तो सीधा चलते हैं बद्रीनाथ। और ऐसा लगता है जैसे पूरा अंधेरा हो गया, शाम हो गई हो भाई। देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है हमारे राइट साइड में, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट बिलो करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं भाई ऐसे ऐसे पहाड़ों से हमको जाना पड़ रहा है ना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आपको खूबसूरत सूरत से वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलते रहेंगे। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, सच में सबको बोलता हूँ यार हेलमेट का प्रयोग ज़रूर किए करिएगा, क्योंकि हेलमेट ही ऐसी एक चीज़ है जो आपके सर को बचाती है। सबसे बारीक जो नसें होती है हेलमेट सर में ही होती हैं आपके, तो हेलमेट से जब आप बाइक से गिरते होंगे या एक्सीडेंट होता होगा तो हेलमेट से आपकी बहुत सुरक्षा होती है, बहुत सेफ्टी है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती, हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, सेल बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। उससे क्या है 70 से 80% एक्सीडेंट से जो हानि होने वाली होती है वो बच जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट भी आप लोग के लिए, गवर्नमेंट भी आपको यही सब चीज़ें बोलती है, और जितनी भी गाड़ी वाले होते हैं ये सब चीज़ें आपकी केयरिंग के लिए बनाई जाती है, पर आप लोग इस चीज़ की लापरवाही करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है आप ऐसा लापरवाही ना करें। हमने देखे भाई साहब क्या बेहतरीन से नज़ारे हैं, और ये सब बाइकर लोग भाई लोग क्या स्पीड में गाड़ी यहाँ से चलाते हैं भाई सच। तो यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना होगा बद्रीनाथ के लिए 98 किलो।
तो यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना होगा बद्रीनाथ के लिए 98 की। एक महीने का ट्रिप में पूरा एंजॉय कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा भाई। नए नए तरीके अपना रहे हम लोग और थोड़ा सा एडवेंचर कर रहे हैं, तो मज़ा आ ही रहा है भाई। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो उनके भक्त लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो कि भोले के दरबार में जाते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आज ही कल में पूरा ये हुआ है, दोनों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं, रोडों में ऊपर से पत्थर गिरा होगा। ऐसे हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी नदी बहती हुई, और आगे कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है NH07 रोड में हम लोग चल रहे हैं, और माना है 93 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 89 किलोमीटर, ये देख सकते हैं। तपोवन है 60 किलोमीटर और जोशी मठ है 45 किलोमीटर, इसी रूट में पड़ेगा जोशी मठ भी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कर रहे क्या खतरनाक रोड है ये बनाया गया है, देख सकते हैं कितना खतरनाक रोड बनाई गई है, काट काट के पहाड़ देख सकते हैं। तो मेरे को आराम से ही चलना पड़ेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे भवानी स्वीट्स एंड फूड में, तो हम लोग यहाँ पे अभी नाश्ता वास्ता किए, और यहाँ से 60 किलोमीटर है बद्रीनाथ पिपलिया से, तो हम लोग कंटिन्यू फिर चल रहे हैं अपनी राइडिंग के लिए। और आगे हो सकता है पानी गिरे तो हमको कैमरे को फिर से अंदर रखना पड़ेगा, तो रास्ते का हम आपको ब्लॉग नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके लिए स्ट्रीम ही सॉरी। और पानी नहीं गिरेगा तो कंटिन्यू हम आपको शूट करते हुए दिखाते हुए लेके चलेंगे। अब देखते हैं कैसा माहौल होता है, अभी तो हल्का फुल्का यहाँ पे छीटा छाटी चालू हो चुका है पानियों का, और अपने हम सफ़र को भी खाना खिलाना है, क्योंकि हम सफ़र का भी टाइम हो चुका है खाना खिलाने का। और मैंने दो प्लेट दबा के मस्त समोसा चना खाया है, मतलब बनवा के मज़ा आ गया, उसके बाद पकौड़ी खाया और चाय पिया मस्त, टनाटन टंकी हमारी फुल हो चुकी है, और मज़ा भी आ रहा है अब गाड़ी चलाने में, क्योंकि जब सुबह हम लोग निकले थे चोपटा से, तो वहाँ पे मैंने दो आलू का पराठा खाया था। आलू का पराठा यहाँ चोपटा में थोड़ा यूनिक टाइप का था, उसको तंदूरी में सेका जाता है, ऑयली वाला नहीं रहता वहाँ पे, तो दो आलू का पराठा प्लस एक चाय। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर नीचे आए थे, तो हमने चाय और मूंग दाल और फल खाया था। रोड आप देख रहे हैं कितनी प्यारी रोड है, और लोकेशन देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन है, मज़ा आ रहा है भाई घूमने में। आप प्यारा लोकेशन है भाई साहब, देख सकते हैं इधर मेरे लेफ्ट साइड में कितना प्यारा लोकेशन दिख रहा है, और कितना बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं फॉग ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे बादल नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और हमारे राइट साइड में आपको नेक्स्ट लाइट दिख जाएगा, क्योंकि आए दिन ऊपर से पत्थर उत्थर गिरते रहते हैं, तो इधर थोड़ा आराम से ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम घूम रहे हैं पहाड़ी लोकेशन में, तो आराम से चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि रिक्सी लोकेशन है ये, और हमको रिक्स नहीं लेना है पहाड़ी लोकेशन में, हमको सेफ जाना है सेफ आना है। और हम तो बाबा के दरबार में जा रहे, तो हमको कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, पर अपने से थोड़ा सेफ रहना बहुत जरूरी है, बाबा तो हमारा ध्यान रख ही रहे हैं कि हमारे पास वो लोग दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमको भी ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। बाबा इस क्या बेहतरीन लोकेशन में आप एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा सा है छोटा सा है पर बहुत प्यारा है टनल, और ये सेकंड टनल है मेरा, छोटा सा मतलब 500 मीटर की दूरी में है, मैं सेकंड टाइम टनल में एंटर कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान गया था तब मैंने टनल में एंटर किया था, और ये सेकंड टाइम है मेरा,
जो कि इस टनल में मैं एंटर कर रहा हूँ, और बहुत प्यारा लगा। आप लोग को लगा कि नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा इस टनल के लोकेशन को। चलिए गाइस आगे चलते हैं। और मेरे गोफो की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मेरे को अभी फिर से अपने गोफो की बैटरी चेंज करना पड़ा। और ऐसे नज़ारे को मैं मिस नहीं करना चाहता, ना आपको मिस कराना चाहता हूँ कि खूबसूरत नज़ारे को, क्योंकि कब मौका मिले या ना मिले, मैं सोचा हूँ इस जितने भी लम्हे को अच्छे से अपने वीडियो में कैद कर लेता हूँ और आपको भी दिखा दूँगा। पे कितना ज़्यादा कीचड़ है, और ऐसे कीचड़ में भाई गाड़ी स्लिप खाने का बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं बहुत आराम से प्यार से गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कितना खतरनाक तक पूरा है, ये डर लगता है भाई ऐसे लोकेशन में। आराम से बहुत प्यार से गाड़ी, कीचड़ कितना देख सकते, कितना ज़्यादा कीचड़ है, स्लिपरी कीचड़ है, तो बहुत प्यास है। उधर रोड का काम भी चल रहा है, मरम्मत का काम भी चल रहा है, देख सकते हैं आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जेसीबी सीबी खड़ी हैं, तो बहुत प्यास से चलना पड़ता भाई। ये देख सकते हैं, मेरे को लगता है इसको चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं। ओके राइट, सब गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे, बहुत धीरे 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 चलना पड़ रहा है। ये फिर यहाँ से देखो जाम लग चुका है। अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है क्लियर होने में, ऐसे पीछे भी जाम लगा था, मैंने आपको दिखाया था, और फिर यहाँ पे जाम लग चुका है। हम सफ़र है ना भाई, मस्त मेरा बहुत साथ देती है, मैं मानना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ने का मन भी नहीं करता और कोई गाड़ी में लेने का मन भी नहीं करता। मैं अपने हम सफ़र को छोड़ने का मन नहीं करता, इतनी प्यारी है, इतनी सपोर्ट करती है मेरी हम सफ़र, मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं भी चला जाऊँ इसको लेकर, ये मेरे को कहीं धोखा नहीं देती है, ना आज तक दी है ना देगी मेरी हम सफ़र। और अभी तक हमको बहुत अच्छी रोड मिल रही थी, अब थोड़ा सा जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी परीक्षा चालू हो चुकी है बाबा के दरबार में, बद्रीनाथ बाबा के दरबार में। बोलते हैं बेटा तूरी जब तक परीक्षा कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक तू मेरे दरबार में पहुंच नहीं सकता, और तेरा परीक्षा लेना बहुत जरूरी, तू कि कितना अच्छा परीक्षा में अपने एग्जाम में पास हो सकता है। तो ऐसे रास्तों से हमको गुजरना पड़ रहा है। ऐसा कुछ देखने को मिला, ये देखिए जोशीमठ का सिटी, बद्रीनाथ जाने का रास्ता यहाँ से ये है, बद्रीनाथ हेमकुंड तो ये वाला रूट है, और वो ऊपर वाला अलग रूट था, तो ऊपर वाले रूट से हम लोग नहीं गए हैं। और यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास और हमको जाना है। और यहाँ पे बहुत सारे बाइकर लोग आए हुए, ये देख सकते हैं सब अलग अलग लोकेशन से, मतलब भारत के हर कोने से बाइकर लोग आए हुए हैं घूमने। थे केदारनाथ में भी मिले थे, और चोपड़ा भी मिले थे, तुंगनाथ में भी मिले थे, मतलब हर लोकेशन में बहुत सारे लोग मिले हुए थे बाइकर। ये देख सकते हैं यहाँ की पुलिस बुलेट चलाती है भाई, और पहाड़ों में बुलेट हैवी इंजन वाला गाड़ी ही अच्छी रहती है, और एडवेंचर बाइक वही गाड़ी अच्छी रहती है। ऊपर देखिए फॉग भाई साहब, ऐसे भी आजकल जियो सबसे ज़्यादा फास्ट हो चुका है, हर जगह आपको 5G दे रहा है। केदारनाथ जैसे लोकेशन में 5G दे दिए, एयरटेल फेल हो गया, एयरटेल तो खाली बोल बच्चन है, बोलता है कि हम यहाँ पे नेटवर्क फैला दिए, ये कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं है। जियो से अच्छा मेरे को कुछ नहीं लगा, जियो उसके बाद वी आई के बाद BSNL भी अच्छा है, नो डाउट। उस साइड वाले पहाड़ में भी जाना है, अभी धीरे से आराम से उतरते हुए जा रहे हैं। और ये एक बेहतरीन पुल से हम लोग पार करते हुए, नदी को पार करते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं भाई रील उल शूट कर रहे हैं लोग। ये देखिए जय प्रकाश पावर विंचर्स लिमिटेड आपका स्वागत करते हैं। ओ भाई क्या खूबसूरत सी नदी से हम लोग पार करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं, ये देख सकते हैं, और कितना बेहतरीन पुल बना गया। अब यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे राइट, और बद्रीनाथ है 35 किलोमीटर,
गोविंद घाट है 10 किलोमीटर। ओ भाई साहब क्या बात है, देख सकते हैं पहाड़ कितने ऊपर ऊपर पहाड़ है। तो यहाँ थोड़ा चौड़ी रोड है तो मैं आपको ऊपर ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं होती भाई सिंगल रोड में दिखाने में। और अभी चौड़ी रोड है तो आराम से आपको दिखा सकता हूँ। गोविंद घाट से आगे और पीछे था गोविंद घाट सिटी, हमने ध्यान नहीं दे पाया था, अचानक मेरे को याद आया तो मैंने वीडियो शूट करना चालू किया। और अभी रोड देख सकते हैं बद्रीनाथ जाने का, और अभी टाइमिंग बात करूँ 7:30 बज चुके हैं। सुबह हम लोग 10 बजे से निकले थे चोपटा से, और अभी 7:30 बज चुके हैं क्योंकि बीच में बारिश और रोड घाटियाँ ये सब पार करते हुए हमको आने में टाइम लग गया, क्योंकि रिक्शी रहता भाई तो हम लोग को ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है। एकदम स्पीड में नहीं गाड़ी हम लोग चलाते, आराम से चलाते हैं क्योंकि गाड़ी का भी ध्यान देना जरूरी रहता है। तभी हम लोग आगे निकल चुके हैं गोविंद घाट से और आगे चलते रहते हैं। अब आगे बोलते हैं एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा वो पता नहीं है, पर जल्दी पहुँचते हैं, एक टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के बाद वहाँ से आगे नहीं जाने देते, तो हम जल्दी कोशिश करते हैं पहुँचने के लिए कि जल्दी हम लोग पहुँच जाएँ, जल्दी बद्रीनाथ पहुँच जाएँ। तो ट्राई हमारा वही है, और रोड इधर की थोड़ा ऊबर खाबर, कहीं अच्छी है कहीं ख़राब है, पर ठीक है ठाक है। मतलब केदारनाथ से तो अच्छी है, केदारनाथ में चढ़ाई थी पर यहाँ पे चढ़ाई नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट 1 किलोमीटर पहले हमको अपनी गाड़ी रखना पड़ेगा क्योंकि मंदिर तक गाड़ी शायद जाती भी है कि नहीं जाती मेरे को कंफर्म नहीं है, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ पे। पर केदारनाथ में तो भाई 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, हालत टाइट हो जाती थी भाई। और आगे चल के मैं इस गाड़ी का थोड़ा एडवेंचर बनाऊंगा, कैस गार्ड हो गया और भी बहुत चीज़ें इसमें इंस्टॉलेशन कराऊंगा, तब गाड़ी एक नंबर हो जाएगी। और मेरा जो लाइट का हाइलोजन है ना, हाइट बढ़ जाएगी ना तो ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, ऐसे में क्या है हाइट नीचे तो रोशनी सही से नहीं पड़ती, सही से नहीं दिखता, तो हाइट में आ जाएगा ना अपने हेडलाइट के हाइट में तो बढ़िया रोशनी पड़ेगी और मज़ा भी आएगा गाड़ी चलाने में, अभी भी मज़ा आता है। ये देख सकते हैं ये कोई पुल को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और चारों तरफ आपको लाइट ही लाइट दिखने को मिल रहा होगा हमारे राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे सब घर और बसे हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से चलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं भाई साहब 220 गाड़ी है, और हाँ राइट साइड में घाटी है और लेफ्ट साइड में पूरे घर बने हुए हैं देख सकते हैं। और यहाँ से अभी 21 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ जी का दरबार। और ऐसे ऐसे रोडों से हमको पार होना पड़ता भाई, पता ही नहीं चलता अंधेरे में कहाँ की कौन से गड्ढे हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। ये देख सकते हैं रोड अच्छी रहती तो मज़ा आ जाता है।